नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव माइंड्स। टुडे वी विल डू कॉफी पेंटिंग। नोट डाउन द मटेरियल रिक्वायर्ड। द मेन मटेरियल फॉर द पेंटिंग इज ऑब्वियसली कॉफी। यहाँ हमने टू बाउल्स लिए हैं। दोनों बाउल में हम एक एक स्पून कॉफी डालेंगे एंड एक बाउल में हम टू स्पून्स वाटर डालेंगे एंड दूसरे में लेस देन वन, और इनको अच्छे से स्टिर कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। वी आर यूजिंग राउंड ब्रशेज हेयर। ये हमने कैमलिन के ब्रशेज यूज़ किए हैं, सिंथेटिक हेयर। आई प्रिपेयर दिस ड्राॅइंग फॉर यू। इसमें मैंने फ्लावर्स एंड ग्रास शो करी है। अब हम इसमें कॉफ़ी अप्लाई करेंगे। आई एम यूजिंग 4 नंबर ब्रश हेयर फॉर द होल पेंटिंग। कॉफ़ी हमने 2 बाउल्स में इसलिए लिए क्योंकि एक बाउल में हमने क्या लिया है, पानी ज़्यादा। उससे क्या होगा, ये जो हम अप्लाई कर रहे हैं उससे कलर क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है। एंड सेकेंड बाउल में जिसमें हमने पानी कम लिया है उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, थोड़ी थिक है, तो उसमें हमारा क्या आएगा, ब्राइट कलर आएगा कॉफ़ी का। एंड इफ़ यू वॉन्ट मोर लाइट कलर देन यू कैन ऐड मोर वाटर। नाउ यू कैन सी जो कलर अब मैं अप्लाई कर रही हूँ, जो नीचे अप्लाई किया था उससे वो शेड डार्क है। फ्लास के बेस में हमने पहले यहाँ लाइट कलर दिया कॉफ़ी का, देन आफ्टर डैट उसके बाद डार्क कलर की शेड से हम हल्के से स्ट्रोक्स देंगे उसमें।
Now I will use earbud to give the texture in the painting. If you don't want to give the texture, you can just do it with the brush only. यहाँ पे मैंने earbud use किया है, इससे मैं क्या दे रही हूँ, grass में texture दे रही हूँ. It's optional, it's up to you, it's your creativity कि आपने उसमें texture देना है कि नहीं देना है. It's your choice. If you don't want to give texture with earbud, you can do with brush only. Now our painting is complete. Thank you guys for watching.